क्या आपका पति या भाई या बेटा बहुत ज़्यादा शराब, गांजा, अफीम, चरस इसका आदि हो गया है? क्या आपके घर में ऐसा मानसिक रुग्ण है कि जो कंट्रोल करने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मारपीट करता है, धूमधाम करता है? क्या वो पागल जैसी हरकतें कर रहा है? चिल्लाना, चीखना, अपने आप से बातचीत करना, कानों में आवाज आना, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई पकड़ेगा मारेगा ऐसा लगता है, या नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आती है करके बहुत परेशान है और फिर मारपीट करना चालू कर देता है। हो सकता है कि ऐसे पेशेंट आपके घर में है और उनका इलाज आपको करना है, मगर आपको हॉस्पिटल ले जाना ये तकलीफ होंगी, हॉस्पिटल में उसके साथ में रहने की तकलीफ होंगी। इसके लिए हमने खास प्रावधान किया हुआ है, आपने सिर्फ हमें फ़ोन करना है, हम यहाँ से एम्बुलेंस भेजते हैं, डॉक्टर भेजते हैं, आपका पेशेंट घर से आपके कंसेंट से, आपके मर्जी से उसको इंजेक्शन दवा देके लेके आते हैं हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में रिलेटिव्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम पेशेंट को अकेला भर्ती करते हैं, उसका इलाज करते हैं और आपको फिर इन्फॉर्म करके आप पेशेंट को लेकर जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में ऐसा पेशेंट हो, आपके घर में शादी है और ऐसे पेशेंट को घर में रखना आपको मुश्किल लगता है, या आपके घर में ऐसा पेशेंट है आपको बाहर गाँव जाना है उसको लेकर नहीं जा सकते। हो सकता है कि मंदबुद्धि का पेशेंट है, हो सकता है कि बूढ़ा व्यक्ति है कि जिसको याददाश्त नहीं है, कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कपड़े में पेशाब करना, लेटरिन करना, मतलब ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही इसमें उसको घर में रखना कठिन है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो ये भी पेशेंट आप हमारे यहाँ रख सकते हैं। हमारे यहाँ संमित्र मानस हॉस्पिटल में हम बिना रिश्तेदार ऐसे मानसिक रुग्ण, व्यसनी जो है, शराब के, गांजा के, जो लत वाले पेशेंट है, वो मंदबुद्धि के लोग, या बुढ़ापा आया हुआ है और अल्जाइमर डिजीज इनको है, ऐसे लोग भर्ती करते हैं। आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम इन्फॉर्म करते हैं और बाद में आप पेशेंट को लेकर जा सकते हैं। हमारे यहाँ जब आप पेशेंट रखते हैं तो उसको खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो जाती है, दवा मिल जाती है, उसका दिन भर का शेड्यूल फिक्स रहता है और एक अच्छा व्यक्ति बन के वो बाहर आता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास में, आपके रिव्यू में है तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, नंबर नीचे दिए हुए है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में भर्ती कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।